देखिए गाइस भाई पायल तो डरने लगी है, भूखा जानवर आ सकता है, आ जाए तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं आगे की ओर। अब इससे खतरनाक आगे एक और बॉर्डर है, उसको पार करते ही बहुत खतरनाक जानवर है, बिच्छू सांप सांप होते हैं यहाँ पे। सांप की आवाज आ रही है, तो गाइस मैं आया हूँ यहाँ पर पायल को छोड़ने। ये देखो इतना घना जंगल है, डर लग रहा है। पायल को मैं यहीं छोड़ देते बेटा है, देखिए गाइज एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज ये देखिए सामने जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है, ये पेड़ भी आधे आधे डूबे हुए थे देख रहे हो आप, लेकिन आप फिलहाल मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, 15-20 दिन बाद आया हूँ, तो ये सब खाली हो चुका है, थोड़े खड्डों में जहाँ गहराई वहाँ पानी भरा हुआ है। देखिए गाइज आपको खूब सारे कौए दिखाई दे गए, गिद्ध भी हैं, चील भी हैं, यहाँ पे काफ़ी तादाद में है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। जमुना जी का पूरा व्यू देख रहे हो आप सामने, बिल्कुल जहाँ से बहती हैं वहीं पे पहुँच गई हैं जमुना जी, और ये सब खाली हो रहा धीरे धीरे, लेकिन गीलापन है अभी, और गीलापन काफ़ी दिन के बाद जाएगा क्योंकि पानी भरा हुआ था, ये सूर्य भगवान भी डूब रहे हैं देखो सामने। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। काफ़ी बादल हैं आज भी, मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। फिलहाल हम चल रहे हैं रोड पर आगे, वो आपको और भी दिखाएँगे सामने का व्यू, और हम जाएंगे राजघाट पे, शायद खुला होगा, तो वैसे तो 15 अगस्त के टाइम बंद होता है, लेकिन खुला होगा तो हम जरूर जाएंगे अंदर राजघाट में। तो चलिए हम राजघाट के सामने का दिखा रहे हैं, यहाँ वीरभूमि है ये सामने, लेकिन हमें मना कर दिया गया कि आगे मत जाना, बंद है राजघाट, तो हम राजघाट। फिलहाल गाइज मैं आ गया हूँ राजघाट वाले रोड पे देखने के लिए। देखिए आप ये दिखा रहा हूँ मैं इधर आगे, आगे इसके आगे है राजघाट वाला बस स्टैंड, उसके बाद है राजघाट की रेड लाइट, उसी के सामने है गांधी समाधि। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है जो लोग बाग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो बंद है आज, क्योंकि आज 13 अगस्त है और 15 अगस्त के टाइम पर ये बंद कर दिया जाएगा 4-5 दिन पहले, तो शायद बंद ही है। चलिए मैं आपको अब सीधा निकलूँगा यहाँ से, जाऊँगा ITO की साइड, ITO से लेफ्ट अपना जमुना जी के पुल पे। ये देखिए यहाँ पे लोग बाग खड़े हुए हैं काफ़ी, फिलहाल ये बंद लग रहा है मुझे काफ़ी, क्योंकि अंदर एंट्री बंद है, ये देखिए बंद है भाई आज तो। तो चलिए चलते हैं हम आगे, वो आपके लिए चलूँगा जमुना के पुल पे, लेफ्ट साइड में जो व्यू है काफ़ी घना जंगल है वहाँ पर, मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाऊँगा। हम करते हैं रेड लाइट पार, खुली हुई है रेड लाइट, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए गाइस यहाँ पे है दलदल, ये जो भदभदा सा जो किनारे पे बन जाता है ये दलदल, यहाँ पे जो गार्ड है चौकीदार है वो बोल रहा है यहाँ दलदल है, यहाँ पे जाना मना है, तो हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। और सामने देखिए जहाँ ये मिट्टी दिख रही है इससे ऊपर जमुना जी आ चुकी थी, वो देखो सफ़ेद घोड़े, देखो सफ़ेद घोड़े, देखो नंदनी सफ़ेद घोड़े। तो चलिए गाइस हम चलते हैं आगे, जंगल में जाना है हमको, ये जा रहे हैं, काफ़ी घना जंगल है, हमारी बच्चों को डर सा लगेगा लेकिन फिर भी मैं ले जाता हूँ उनको दिखाने के लिए। चलिए हम चल रहे हैं आगे की ओर, देखो हमारी पायल को काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी डर रही है वो, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, काफ़ी व्यू है, काफ़ी घना है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। गाइज हम पायल को नंदिनी को लेके जा रहे हैं घने जंगल में, देखो कोई भी जानवर आ सकता है, हमारी पायल तो डर रही है, पायल हमारी डर रही है। तो गाइज हम जा रहे हैं, होते हैं बेटा पे भालू, हाँ सब होते हैं, जमुना जी किनारे है ना बेटा, आ जाते हैं वो, मगर अच्छे होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, अगर मुझे देखते हुए। तो देखिए गाइज हमारी पायल तो डरने लगी है,
भूखा जानवर आ सकता है, आ जाए तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं आगे की ओर। अब इससे खतरनाक आगे एक और बॉर्डर है, उसको पार करते ही बहुत खतरनाक जानवर है, बिच्छू सांप सांप होते हैं यहाँ पे। सांप की आवाज़ें आ रही है मुझे, सांप की नहीं है ये। तो गाइस मैं आया हूँ यहाँ पर पायल को छोड़ने। ये देखो इतना घना जंगल है, डर लग रहा है। नंदनी पायल को घुमाने लाए थे यहाँ पे। ये देखो खंबा, जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट था बंद हो चुका है। ये पूरा घने जंगल समझा है बिटिया को दिखाने के लिए। अब चलते हैं घर की ओर। क्या मोनू पे नहीं जाना? और इसको मोनू पे छोड़ दूँ। अरे पायल नंदी स्टार्ट ही नहीं कर पा रही है, कहीं मैं चलाऊंगी, उसे पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट होती है। नहीं बेटा बड़ी हो जाओ जब सीखोगे। चलो तो गाइस हमने आइसक्रीम भी खाई यहाँ पे, थोड़ा तो बच्चों को घुमा भी दिया है। अब चल रहे हैं घर की ओर। फिलहाल यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक है गाइस। कितना गजब का टांगा मैंने देखा हुआ है, काफ़ी स्पीड में जा रहा है और बड़ी मस्ती में भाई साहब मोबाइल चला रहे टांगे पे, तो देखिए कितना तेज़ दौड़ रहा है, गजब का। चलिए गाइज हम हैं जमुना के पुल पे ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ। मैं आपको फिर मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय।